नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया आजकल और मैं हूं संपादक आईपीएस यादव। आज के बाद में मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कुछ इस तरह से हल्के फुल्के वीडियो लगातार बनाता रहूं सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर। हमेशा वैसे तो मेरे प्रयास रहता है कि मैं इस तरह के वीडियोज ही नहीं बल्कि अपनी वेबसाइट इंडिया आजकल .com पर लगातार लिखता रहूँ, जिनको आप पढ़ते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, तमाम सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। लेकिन अब मैं जो है कुछ वीडियोस ज्वलंत मुद्दे जो हैं देश के उन पर, वैसे तो मैं पहले से बना रहा था लेकिन अब इनकी मात्रा थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से देश के तमाम प्रदेश की सरकारों में कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। खासकर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल गवर्नमेंट ने बिजली के खिलाफ, वहाँ पर जो बिजली गुल हो रही है उसके खिलाफ वीडियो बनाकर पोस्ट करने वाले को अरेस्ट किया और उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। ये घटना है 12 जून की। और अभी एक हफ्ते बाद ऐसी ही एक और घटना आई है, वो भी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसमें एक पत्रकार हैं दिलीप शर्मा, वो बिजली गुल की खबरें लगातार दे रहे थे तो उनको भी अरेस्ट कर लिया और बहुत बुरी तरह से पुलिस ने टॉर्चर किया। आधी रात में और पुलिस ने उनको अपने घर से उठाया। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। बिजली गुल की खबर लिखने के गुनाह में पत्रकार को आधी रात उठा ली गई पुलिस। सही में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की शर्मनाक हरकत, पत्रकार को आधी रात में अर्धनग्न हालत में उठा के ले गई पुलिस। रात भर किया टॉर्चर रायपुर। रात लगभग 12 बजे जब एक वरिष्ठ पत्रकार दिलीप शर्मा अपने घर पर परिवार के साथ में सो रहे थे तो कुछ पुलिस वाले उनके घर पर पहुंचते हैं, उनका दरवाज़ा पीटने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, दिलीप शर्मा बाहर निकलो। इस आवाज़ को सुन करके दिलीप शर्मा कि डरी सहमी हुई बेटियां दरवाजे से बाहर झांकती हैं और उनसे पूछते हैं कि भैया आप कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं, आप मेरे पिताजी को क्यों बुला रहे हैं। वे लोग सिर्फ यही कहते रहे कि नहीं, दिलीप शर्मा को बाहर भेजो, पत्रकार दिलीप शर्मा को बाहर भेजो। उनकी बेटी ने जब घर का दरवाज़ा खोला तो ये लोग सादी वर्दी में, कुछ पुलिस की वर्दी में थे, बहुत तेज़ी से अंदर दाखिल हो गए और दिलीप शर्मा जो अर्धनग्न हालत में थे, यानी रात में आदमी सोएगा तो कैसे करेगा, बनियान पहनेगा और तौलिया में रहेगा, उनको ऐसे ही उठा करके अपनी गाड़ी में बिठा ले गए। दिलीप शर्मा को कोई भी ढंग से कपड़े भी नहीं पहनने दिए गए और ये लोग दिलीप शर्मा को पुलिस थाने ले जा करके भयंकर तरीके से टॉर्चर करना चालू कर दिया। दिलीप शर्मा जाने माने पत्रकार हैं और उन्होंने बिजली गुल होने की खबर कई बार लिखी थी। गांव में लगातार बिजली गुल होने से लोग परेशान रहते हैं छत्तीसगढ़ में, और इसी कड़वे सच को लिखना इन पत्रकार के लिए भारी पड़ गया। आज दिलीप शर्मा राज्य में व्याप्त बिजली विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लिखने की सजा भुगत रहे हैं। हालांकि इनको अभी जमानत मिल करके मिल गई है और ये बाहर आ गए हैं, लेकिन इस इनकी अरेस्टिंग के दौरान और इनकी हरेसमेंट में जिस तरह से पुलिस ने इनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया है उससे दिलीप शर्मा का ब्लड शुगर भी बढ़ गया है और ब्लड टेम्परेचर भी बढ़ गया है और वो बीमार पड़ गए हैं। इससे ये मालूम पड़ता है कि इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं चौथे स्तंभ के खिलाफ सिस्टम की ये तानाशाही और मानसिक रुग्णता को दर्शाता है, क्योंकि ये लोग कुछ सेवाएं तो पब्लिक को दे नहीं सकते हैं। पब्लिक अगर इनको चुनती है तो अच्छी सेवाएं देने की उम्मीद में चुनती है, लेकिन इनको मिलता है टॉर्चर और इस तरह से महासमुंद में रहने वाले कौन है दिलीप शर्मा, ये जानते हैं। महासमुंद में रहने वाले दिलीप शर्मा तकरीबन 2 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और उनकी एक अच्छी खासी पहचान है। गांव में, कस्बों में उन्होंने न जाने कितने बिजली और पानी से रिलेटेड खबरों को प्रकाशित किया है
और पीड़ितों के दर्द को अपने शब्दों में पिरोकर के उन्हें इंसाफ दिलाया है। तमाम ऐसे नल हैं जहां पर पानी नहीं आता था, वहां पर पानी पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। तो दिलीप शर्मा अपने साथ हुए कठोर अनुभव को बताते हुए कहते हैं कि उनके साथ में पुलिस हिरासत में हत्या के आरोपी जैसा बर्ताव किया गया और उनसे उन्हें घनघोर मानसिक प्रताड़ना दी गई, जिससे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती से लोग भयंकर रूप से परेशान हैं। जनता की समस्या को उजागर करने वाले मीडिया कर्मियों के साथ पूरी सिस्टम किसी तरह से किसी खूंखार अपराधी की तरह बर्ताव करता है, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। और इस घटना को चारों तरफ निंदा हो रही है। हर तरफ लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग सरकार का शरण बंधन करना, उनके पक्ष में समाचार लगाना ही पत्रकारिता है, या फिर गर्मी की तपिश में झुलसे लोगों को की तकलीफों को सामने लाना पत्रकारिता है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासन में एक पत्रकार के साथ में हुए इस तरह के बर्ताव को लेकर के हर कोई स्तब्ध है और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इनके भाजपा की तरह इनके शासनकाल में भी मीडिया की यही हालत होगी। तो ऐसे में फिर राहुल गांधी ने जो अभी हाल ही में ये बयान दिया था, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए प्रशांत कनौजिया के संबंध में, कि इस तरह से उनके खिलाफ लिखने वालों को अगर गिरफ्तार किया जाने लगा तो जेलें भर जाएंगी और चैनलों के दफ्तर खाली हो जाएंगे, ये राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा कि वो सिर्फ बयानबाजी करेंगे या उनके जमीनी धरातल पर भी कुछ काम करके दिखाएंगे। तो आगे पत्रकार दिलीप शर्मा ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया है कि उनके और आसपास के गांवों में लगातार बिजली गुल होने की शिकायतें मिल रही थीं और इस मामले को जब उन्होंने अपने वेब न्यूज पोर्टल पर प्रकाशित किया तो उनको इतनी बड़ी सजा दे दी गई। वह कहते हैं कि इस पुलिसिया सलूक से वह स्तब्ध हैं और परेशान हैं। गांव के छत्तीसगढ़ के कई लोगों इलाकों में बिजली गर्मी के दिनों में खासकर घंटों लगातार बिजली गायब रहती है। अब ऐसे में क्या बिजली कटौती की खबर लिखना भी गुनाह हो गया है? तो दोस्तों ऐसे में अब सवाल उठता है कि चौथे खंभा के जो मीडिया के लोग हैं उनके सामने बहुत ही भयंकर परिस्थिति है कि वो करें तो क्या करें। खबर लिखना, जन सरोकार के मुद्दों को उठाना उनका काम है, उनका ये व्यवसाय है, तो इस तरह से किस तरह से वो अपने काम को अंजाम देंगे, इस पर मेरे ख्याल से उन सभी को यूनाइटेड होकर के, संगठित होकर के एक विमर्श की आवश्यकता है कि किस तरह से वो अपना काम करें। तो ये थी खबर आपकी इंडिया आजकल से, जो आप देख रहे थे संपादक आईपीएस यादव के जरिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।